नहीं है इस कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल जो एक स्केच है
इसकी तरतीब और इसकी इल्मी फिक्री लोग पदों को संवारना, इसके अंदर ख़ास तौर पर आप सब तश्नगाने इल्म व हिकमत के लिए इस खूबसूरत सेशन का इंतजाम करना और मोहब्बतों के इस फैजान को आम करने का बुनियादी जरा मेरे आपके मखदूम मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब डायरेक्टर जनरल मज़हबी उलूम मुकाम है। मैं आपसे इल्तिमास गुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ फरमा हूँ और कॉन्फ्रेंस मौका और हाजिरी की मुनासिबत से कलेमात इस्तिक़बाल के इशारे पर सर आज छठा साल है, छठा मौका है कि परसवीर के इस अजीम दीनी और वानी मरकज़ पर आपको खुशामद कहने का एजाज़ पा रहा हूँ। मैं आज सोच रहा था और मैंने दरख्वास्त भी की कुछ नसीहत फरमाएं और मैं बतौर ख़ास ये पूछना चाहता था कि मिजार पर हम कशां कशां क्यों चले जाते हैं और अकीदत के लिए मोहब्बत को निछावर करने के लिए हमारे पास सबसे आसान रास्ता भी यही है, लेकिन वो जो तख्लीकी फ़िक्र जिसका नुक्ता आगाज़ आपने कशफुल माजूद की सूरत में फरमाया, हम उससे बहुत ज़्यादा मानूस नहीं हो पाए। आप ये फरमाते हैं प्रोफेसर साहब उस्ताद मोहतरम के मैंने कशफुल माजूद पढ़ी नहीं बल्कि उसमें ज़िंदगी पसंद की, कुछ उसमें ऐसा बताएं कि हम इसके साथ मानूस हो। ये इस राह की टेक्स्ट बुक है, निसाब की किताब है और निसाब की किताब उस्ताद से सबकन सबकन पढ़ी जाती है और यकीनन सुल्तानुल औलिया की किताब जब दिल्ली के अंदर सुल्तानुल मशाइख पढ़ाते होंगे तो उसका तो मंजर और मजहर ही कुछ और होगा, लेकिन हम जिस अहद में हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा पुरानी नज़र आती है और अगर रंगीनी रानाई और हुस्न और खूबी इस सब इश्तारे और जलवे और इनकी जलवा जलवा सामानियाँ अगर नज़र आती हैं तो इस ज़मन में बिलखसूस आपकी सूरत में हमें अल्लाह ताला ने अदा की है तो हम मिजाज से भी किताब फैज़ चाहते हैं और किताब से भी। आपने ज़ाहरी तौर पर हमारे सामने तो मिजाज से किताब फैज़ पता नहीं आपकी अपनी सूरत होगी, आपने किताब से किया है तो हमें रहनुमाई फरमाएं बतौर खास कि हम किस तरह कशफुल माजूद से अपना तमस्सुक पैदा करें, इनेमाक पैदा करें कि आज बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं खानकाह को, मदरसा को, मस्जिद को, मेहराब को, मेंबर को और इन सवालात का जो तशफ़ी बख्श जवाब है वो शायद आप इस ज़ात के अलावा किसी और के पास मौजूद ना हो। मैं हमारे दिगर इस अमर को अजहद एजाज़ समझता हूँ कि आपकी ये तशरीफ़ आवरी और जलवा करें मेरे लिए, मेरे महकमे के लिए, पंजाब गवर्नमेंट के लिए एक एजाज है और सआदत है। और पिछले साल प्रोफेसर साहब ने जाते हुए फरमाया कि हाँ जब तक तुम इधर हो उस वक्त तक कुछ आज में आता ही रहूँगा, तो अल्लाह करे ये सिलसिला आपकी आमद का इसी तरह जारी रहे और हमारे लिए ईमान और ईमान का जरिया बने। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपके जुमला मुताले की मुतवस्सलीन और मुंसलिक अहबाब को भी खुश आमदेद देते हैं। इतना ज़ोरदार और इतना वकी सवाल और इतना जामे क्वेश्चन, मैं उसके जवाब में और आपके दरमियान बिल्कुल कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता कि उस सवाल की जामियत और आपके जो इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठे हैं उसका जवाब सुनने के लिए उसमें कोई लफ्ज़ रुकावट बने। मैं बग़ैर किसी और लफ्ज़ के मैं बिला ताख़ीर हज़रत प्रोफेसर साहब की खिदमत में इक़्तिबास गुज़ार हूँ कि आप करम फरमाएँ और अपने मुहिब्बीन मुखलिसीन को वो जवाब। और मैं वो सोच रहा था कि अबू सईद हुजैरी ने भी हुजूर फैज़ आलम से कुछ इसी तरह पूछा था, आज डॉक्टर साहब ने भी यही जसारत फरमाई है
और आप तो बड़े नाज से हुजूर फैज आलम को अपना उस्ताद बरमला इजहार और डिक्लेयर फरमाते हैं, तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप इस बाबत अपने कलमात इरशाद फरमाएं। बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। हाजिर हजरात, इंटलेक्ट एक ऐसी वबा है, हर आदमी अक्ल का एक डेफिनेट स्टेटस रखने के लिए अमलतन कोशां होता, वो चाहता है कि मुझे आला फिक्री दर्जात पर कोई ना कोई क्रेडिट मिल जाए। दीन में मजहब में कभी भी उन प्रोसेसेस को बड़ा नहीं समझा गया, अगर जो हमारे लिए बड़ी मेहनत कोबरा है, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, और इसके अलावा जैसे कुरान में दर्जा बंदी की है, एक और बहुत बड़ी बात दीन में है जो मरातब को मुतय्यन करती है, उतलो मा ओहिया इलैका मिनल किताब, कि किताब पढ़ो, कुरान पढ़ो, अवामर और नहीं से आगाही हासिल करो, वो आकम सलात नमाज कायम करो, इन सलात तनहा अनिल फाहिशा वल मुनकर, ये तुम्हें इनकार से, ये तुम्हें बार बार अल्लाह के इकरार की खबर देगी नमाज से, तो बहुत सारी खराबियों से, बदनी खराबियों से, जहनी खराबियों से बच, मगर ये अमाल है। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, ये भी हमारी याद है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि यादश बखैर आप हमें याद आ गए, पता नहीं अल्लाह भी रोमांटिक है बहुत ज़्यादा, वो भी चाहता है कि मुझे कोई चुपके से याद करे, कोई शोर मचा के याद करे। खुदा मोहब्बत क्रिएटिविटी जो ज़मीन पर जारी है, जो खलाकियत का मज़ाहरा ज़मीन पर जारी है, उसमें एक चीज़ बड़ी वादे नजर आती है कि इतनी बेपनाह कुवतों की मिल्कियतों के बावजूद होना लेकर वलाया तो इलाक, लेकिन खुदा गलत तो नहीं कहता, जब जमीन मेरी आसमान मेरे तो हुक्म भी तो मेरे ही चलेगा, फिर अपने ऊपर कौन से हुक्म आप वारिद करते फिरते हो, जब वो साफ साफ आपको कह रहा है यार जमीन मेरी है, आसमान मेरे हैं, कायनात मैंने बनाई है, तुम और कौन से बादशाह का हुक्म चाह रहे हो। अगर आपको ज़रा सी अकल हो और इस अकल के लिए इंसान को हकमियत अता दी, बादशाहत खिलाफत, तो उसके बावजूद आपको इतनी छोटी सी रीजन समझ नहीं आती कि जिसकी ज़मीन है वही मालिक। वो देखो बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते, ये क्वेश्चन आपको बेमहल लगे मगर एक ज़रूरी बात है कि क्या गुलामा से आपके फिजिकल रिलेशन जायज़ है, मगर शायद वो अगर कुरान की एक आयत की हल्की सी तफसीर के माँ मालक का दायर मानने को, आप बताओ जो आपके दाएं हाथ की मिल्कियत है उस पर आप तसर्रुफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। It's not a question of a thing or a human being or a matter.
सादा सा सवाल ये है कि अगर कोई चीज आपकी मिल्कियत है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इतने फजूल से उलझाओ तो नहीं है ना कि माँ माला करता है माँ। अब मुझे आप ये बताओ तो जो ये कहना है कि होना लिखा वाला है तो तमाम विलायत अल्लाह की, तमाम जमीन अल्लाह की है, तमाम आसमान अल्लाह की है, मज़ाहिर फितरत अल्लाह के हैं, उसी के हुक्म तो क्या वो हुक्म नहीं गिना सकता? क्या वो हुक्म देने के लिए तुम्हारी मर्जी देखेगा? तो वाई डोंट वी एग्री सिंपली ऑन दिस पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जिसका यह जिसकी ज़मीन है, जिसकी मिल्कियत है, जो उसके दाहिने हाथ की मिल्कियत है, उस पर उसी का हुक्म चलेगा, मेरा आपका नहीं चलेगा। अगर ये सादा सी बात आप समझ जाओ कि हम किसी चीज के मालिक नहीं हैं, हमारे पास, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैंने कहा मैंने मोहब्बत की, मैंने की, खुदा की कसम मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं मैंने नहीं की, मैं कहता हूँ मैं नफरत का एक पाबंद बंदा हूँ, क्या मैं नफरत नहीं करता हूँ? इट्स वेरी डिफिकल्ट से कि मैं करता हूँ। क्यों? क्या कुरान में ये नहीं लिखा हूँ कि तुम मोहब्बत नहीं डाल सकते? नहीं डाल अल्लाह अल्लिफ बैना कुलूबिन, यही कारण है, वलौ अनफक्ता मा फिल अर्ज़ जमीअ, सारी जमीन का भी माल खर्च कर दो, मा अल्लफ्ता बैना कुलूबिन, दो दिलों में मोहब्बत नहीं डाल। भाई आज से पहले कभी ख्याल आया तुम्हें कि मोहब्बत तुम नहीं करते हो? तो मोहब्बत किसी के दिल में जमा नहीं सकते हो? भाई इसका भी दावा अल्लाह ही का है और वही सच्चा है। वलौ अनफक्ता मा फिल अर्ज़ जमीअन, सारी जमीन का माल खर्च कर दो, तुम नहीं मोहब्बत, वलाकिन अल्लाह अल्लाह फ़ाबैना, अल्लाह का फिर कौन सा दावा आपका अपना रह गया? कौन सा ख्याल आपकी अपनी मलिक? वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम चाह भी नहीं सकते हो अगर मैं ना चाहूँ। फिर ओ भाई कौन सा दावा? फिर अल्लाह से पूछो ना, अल्लाह से एक बात पूछने का हक है ना, कि फिर हमारा कसूर क्या है? आपने तो रोज़े अज़ल ही फरमा दिया था इन्ना अरज़ना अल-अमानत अल-समावात वल-अर्ज़ कि जब वल-जिबाल फ़अबैना अन यहमिलना वअशफ़क़ना मिन्हा वहमलहा अल-इंसान कि जब रोज़े अज़ल हमें अमानत पेश की सबकी तरफ से, मुकाबला था, वेरी टफ कॉम्पिटिशन, और बड़े रईस लोग, बड़े बीच में। अब मुझे बताओ, शैतान ने इनकार कर दिया, बुरा तो चलो था ही, मगर एक और चीज की भी कमी थी। आप शैतान से डरते हो ना? भला कोई बेवकूफ से भी डरता है, कोई जाहिले मुशरिक से भी डरता है? एक बात का तो आप यकीन कर लो ना कि अल्लाह के करीब डर होने के बावजूद, अशरफुल मलाइका होने के बावजूद वो इतना नाकुसल अकल था कि वो जौहरे असल जो खुदा ने आदम को दिया था वो नहीं देख सकते। भाई अगर फर्ज करो मेरे ऊपर किसी को फौकियत दी जाए तो मैं जवाब ढूंढूंगा ना, हमारे यहाँ अकेला होता है, मैं सबसे अच्छा था, मुझे सबसे बदतर रैंक दिए गए, हम कंपेयर कर सकते हैं, हमें पता है हमने अहलियत कितनी है, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने जिंदगी का हर जवाब ढूंढा है, मगर मुझ पर एक नाअहल को फौकियत दे तो मुझे पता है ना क्यों दे? मैं इसलिए रोता हूँ, मैं चलता हूँ, क्या शैतान को नहीं पता? वो किस किस्म का अकल मानता है कि जब आदम को खिलाफत दी जा रही थी तो फट से बोल गया कि मैं इससे बेहतर कहाँ से बेहतर हूँ? तुमने तो उस आफाकी सलाहियत की अभी डिग्री नहीं देखी थी, इस आदमजात की अभी मिल्कियत तो अकल का तुमने जायजा ही नहीं लिया था, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि खुदा ने क्या उसमें डाल दिया, और एकदम अहमकाना सी अनायजात में फंस के तुमने इनकार कर दिया। आप इस शैतान की जद में हो,
इससे डरते हो, रोज इसके साथ मुसाहबत रखते हो, ऐसे लगता है कि बड़ा ज़हीन आदमी आपके हाथ में आ गया, जिसका ये हाल है, ऐसे कूदन का ये हाल है कि आप उसके साथ दोस्ती में बड़ी मोहब्बत फील करते हो। ये एक सूफियों की किस्म है, जब इंटलेक्ट जो है, अकल जो है, खारजी मज़ाहिरात के मुताले में ख़त्म हो जाए, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो ताक़ुल से आगे बढ़ना चाहिए, जो चाहते हैं कि जो अल्लाह की दी हुई अमानत है, ये जो अकल है, हाकमियत है, ये अकल के बारे में अल्लाह ने कहा कि जब उसे बनाया तो कहा जरा मुझे चल के दिखा, जब उसने परत बदले, अंदाज दिखाए, तो रब्बुल आलमीन मुस्कुराए और कहा क्या अच्छी चीज़ मैंने बताई। और सुन लो, अकल को मुखातब कर देता, जो पाएगा तेरी मारफत से पाएगा, और जो जिसको नहीं दूंगा तेरी वजह से नहीं दूंगा। नहीं क्यों दोगे? इतनी खूबसूरत शायर, ये परिजादों से बड़ी हिकमत वाली शायर, हर हसी से हसीन तर शायर हर एक को दी गई है, आप उसको क्या दलील और रुसवा रखते हो? ये है जुनालिया सिलसिले के शुरू का फतवा। ये वो शो लोग नहीं है, इनका तस्किया ये और तरह का होता है, ये हर चीज का जवाब ढूंढते हैं। और मेरे मोहतरम शेख सैयदना अली बिन उस्मान, दुनिया में रिटन वर्ड ऑफ मिस्टिसिज्म पर सबसे बड़ी अथॉरिटी मानते हैं, यहाँ नहीं खाली, 32 लैंग्वेज में हजरत शेख का तर्जुमा, और टॉप रैंकिंग फिलोसफर्स ऑफ थॉट में समझे जाते हैं। और जब माबादुल तबीयात की बात आती है तो शेख ऐसी ऐसी बात कहते हैं, एक छोटी सी बात होने की, अगर आपको, आप भी तो अकल वाले हो, अगर उनकी एक छोटी सी बात समझ आओ तो आपको शेख का मकाम भी समझ आए। तो फरमाया कि खुदा इसलिए नहीं नजर आता, खुदा इसलिए नहीं नजर आता, खुदा ने अपना आप इसलिए छुपा लिया कि तुम पर ईमान जबर ना हो जाए, फिर तो सदा से बची को नहीं रह सकता। तो एक ही अख्वा परवरदिगार आलम ने इसलिए, ये होते क्या चीज, इनकी बाज़ कैफियात नाकाबिल एतबार होती हैं, बाज़ कैफियात नाकाबिल फहम होती हैं। नाकाबिल एतबार उन लोगों के पास, देखो दुनिया में कुछ 7 फलसफे हैं इनकार के, एक तो एक यकीन है, और 7 दुनिया के बड़े फलसफे जो हैं इनकार के हैं। कम्युनिस्ट इनकार करते हैं ना खुदा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मजहब से लेता है और इनकार खुदा से करता है। स्केप्टिक्स तस्दीक पसंद बड़े छोटे छोटे इतराज रखते हैं ना मुकद्दरात पे, लाइफ पर, और फिर लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं खुदा का डेटा ही नहीं है, मानेंगे है जी। फिर सिमेंटिक्स हैं, कहते हैं प्याज के छिलके उतार लो खाली निकलेगा, अल्लाह की बहुत तारीफ है कर लो फिर भी कुछ नहीं उसमें। अगर आप मुख्तसरन देखो, फिर एक आखिरी फलसफा है जिसको हम वजूदियत कहते हैं, कि वजूद रूह पे हावी है, भूख लगती है तो खाना पड़ता है, मगर चंद एक लोग फाका करने वाले भी होते हैं। ये चंद एक लोग हकीकत जानने के लिए, फक्र की हकीकत जानने के लिए, भूख के हकीकत जानने, ये लोग अपने आप को इम्तहान में बखुशी डालते हैं, ये बड़े लोग हैं। और इनको उस तजर्बे से जो अक्ल नसीब होती है उसको वो मिस्टिक एक्सपीरियंस कहते हैं, सूफियाई तजर्बा का तजर्बा जो कहते हैं वो इस किस्म को कहते हैं जो प्रैक्टिकली एक्सकम्युनिकेबल होता है। एक्सकम्युनिकेबल का मतलब है मैं अपने आप को कहत में रख के, गम में रख के, उदासी में रख के, मैं जब तक उन कैफियात से गुजर ना जाऊंगा मैं आपको समझा नहीं सकता।
दुनिया में वो तमाम टीचर नाकाम है जो इल्म के उस हिस्से को जो अपने में दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं उसी इल्म के दौरान से आप अगर तजर्बा से नहीं गुजरे तो वो इल्म मुकम्मल नहीं होता। खादिम हज़रात ये जुनैदिया सबसे बड़ा अकली रीजनिंग का सबसे बड़ा सबूत है और हमारे शेख उसके साथ में ये तमाम नूरानला रोज है जुनैद से शुरू है अबू बकर शिबली को गए ख्वाजा अली हसनी को गए अबुल फजल खुदली को गए और सैयदना अली बिन उस्मान हजवेली को गए और दसवें दर्जे पर सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी भी पढ़े। कोई छोटा नजर आता है आपको है जी लंका में जो छोटा वो भी बावन कर इस सिलसिला तसव्वुफ में छोटा उस्ताद रानी पास है। ये मजबूत का रास्ता नहीं है ये मेरा आपका सबका है क्योंकि आपको भी दावा है। कोई कहता है मैं तजारत में MBA हूँ PhD हूँ कोई कहता है मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ ये क्योंकि अकेले से आ जाते हैं ये सारे लोग ये बदमाशी से आ जाते हैं ये लैक ऑफ अटेंशन से आ जाते नहीं इसके लिए खुदा ने आपको अक्ल व मारिफत अता की। हाँ एक किस्म के तजर्बात ज़रा अजीब है शायद ये आपको मेरे शेख का इशारा है कि मैं अपने शेख के साथ चल रहा था रस्ते में कीचड़ बना था और हम सब शागिर्द उस्ताद मोहतरम के साथ चल रहे थे मैंने देखा कि बारिश हुई पड़ी थी कीचड़ बहुत था हर एक को कीचड़ चमक गया लेकिन मैंने उस्ताद की तरफ देखा तो उनके बुर्राक सफ़ेद कपड़े उसी तरह थे कोई छींट भी नहीं पड़ी थी। तो जैसे आपको ताज्जुब होगा सैयद हाजियर को भी ताज्जुब होगा। सोचा ये क्यों है हम सबके कपड़े मैले हुए इनके क्यों नहीं मैले हुए तो कहने के मेरे दिल में शक था ख्याल था ये क्यों हुआ तो मेरे शायद ने मुझे मेरे खतराए कल पर आगाही पाई। इस सवाल को उन्होंने जान लिया कि मेरा शागिर्द ये सोच रहा है कि मेरे कपड़ों पर तो कोई किसी किस्म की गंद ना कीचड़ पड़ा बाकी सारे लोगों पर पड़ गया। तो शेख ने कहा अली बिन उस्मान जब बंदे का मामला अल्लाह के साथ साफ हो जाए तो दुनिया की कोई फलाजत उसे छू नहीं सकती। ये वो सबक देने वाले उस्ताद इनके जरिए से होता हुआ जब सबक हम तक पहुंचता और अगर कीचड़ से आशनाई कर लें हमें ये बताओ कि हमारे वजूद में खिलता हुआ खुद पसंदीदगी का पौधा जो है इसको हमने काटना है खूबसूरत तरीन मकानों पे पड़ी हुई बाढ़ अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो आपका घर जंगल बना दे इसको काटना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते अगर इन उस्तादों से सीखना हो तो हर वक्त हाथ में कैंची पकड़े कोई शाख बढ़ जाए ना जरूरत से उसको काट दो कोई खराबी बढ़े उसे काट दो कोई आरजू बढ़ जाए उसे काट दो कोई अम्बिशन हो उसे काट दो। ये लोग अपने ऊपर बड़े गजब की नज़र रखते थे अपने आप को रियायत नहीं देते वो ये नहीं कहते थे मैं बेचारा नहीं उन्होंने कभी अपने आप को बेचारा नहीं समझा वो जंग लड़ते थे कि अपने आप को हर कोताही का जिम्मेदार और कसूरवार समझा। क्या उन्होंने मोहब्बत नहीं की क्या खैर या आजमाइशें नहीं की उन्होंने फरमाते हैं शेख अपने के मैंने इतना बड़ा उस्ताद इतना बड़ा उस्ताद अपनी खामी को भी इल्म की दर्स देने के लिए वाशिदा कोई कहेगा इस दर्जे का उस्ताद कि मैं एक परिचेरा का नादीदा आशिक हुआ है कोई कहेगा ओ उस्ताद तो कभी कहते नहीं इन मौलवी हजरात को देखो ये तो फरिश्तों से भी आला तर मखलूक बने फिरते हैं ये कहेंगे
कि हमने फलां पे बुरी नजर डाली, कोई कहेगा? अली बिन उस्मान कहता है, सैयद हजवेर कहते हैं कि मैं एक परिचय आकर नादीदा हासिल हुआ, करीब था कि जोहद और इत्तका खो बैठता, फिर कि अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की और मैं उसके इस असर से निकल गया। ये है उस्ताद, बहुत बड़ा उस्ताद, जो जिस दौरान से गुजरता है, जिस चीज से गुजरता है, उसकी आगही देता जाता है। वो कहना ये चाहता है कि मैं फरिश्ता नहीं पैदा हुआ, मैं तुम्हारे लोगों की तरह पैदा हूँ, मुझ पर सारी वो वारदात गुजरी हैं जो तुम पे गुजरती हैं, जो आजमाइशें तुम्हारे जहनों पे मेरे भी जहन पे उतरी थी, मगर मैंने एक फैसला किया हुआ था और ये फैसला साथी नौजवान सबको करना पड़ता, फाइनल डिसीशन होता है कि जो कुछ हो मेरे अंदर, जो खामी हो, जो खूबी हो, जिस कदर भी तूफान उठे, इस खामोश समंदर की हर चीज ही तूफान आमेज है, मैंने फैसला ये किया है कि रहूंगा मैं अल्लाह के साथ, चाहे शैतान के दरिंदे और परिंदे मेरी बोटी ब्यूटी नोच खाई, मैंने अपने मिसाक के अहद को पहचाना है। मैंने मिसाक के दिन जब मुझे पूछा गया अलस तो मेरा रब को, क्या अपने रब को जानते हो मानते हो, तो मैंने कहा था कागू बला, हाँ मेरे रब मैं तुझे जानता हूँ। बदली नहीं चलेगी, हम में से हर कोई इस आयत का पाबंद है। अगर तुम कोई और नेकी करो ना करो, अगर मैं तो कब्र को गैलेक्सी या गेटवे टू गैलेक्सी कहता हूँ, पर मसला ये है कि मैं किस लिबास में था, मैं आने से पहले किस लिबास में, आपको बताया, मुझे तो नहीं पता भाई, मैं वह रूह में किस शक्ल, मैं आने से पहले भी एराफ में था, मैं आने से पहले भी बर्दस्त में था, मैं ये जिस्म देखे, ये तो जिस्म नहीं है। फिर जब मैं दुनिया में वारद किया गया तो मुझे इस दुनिया के मुताबिक जिस्म दे दिया गया, अब एक बड़ी खूबसूरत दुनिया है मेरा इंतजार कर रही है, मैं कुछ झांकता करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस चिलमन के अंदर जानता हूँ, आखिर मेरा महबूब परवरदिगार तो उधर बैठा है और मैं जिसे चाहता हूँ, मैं बड़ा खुशगर्द हूँ, सच्ची बात मुझे पता है कि उस रब ज़ुल्जलाल वल इकराम के सिवा मुझे कोई मजीद जिंदगी की ख्वाहिश दिखा नहीं। यार सोचो तो सही, 13.7 बिलियन की यूनिवर्स है और हमारी जिंदगी 60 साल 50 साल 70 साल, ये मजहब का खेल नहीं है। और यार इतनी तवील और चौड़ी और लंबी कायनात में मैं क्या कर रहा हूँ 70 साल लेकर, और मैंने कौन से कमाल निकाल लेने, जरा एवरेज कभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को निकाल के बताना कि कितना हिस्सा बनता है 70 साल 13.7 बिलियन की यूनिवर्स में, ये जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है, हकीम लगे गुस्सा आता। अभी मैं होश नहीं संभालने पाता तो मेरा जनाब इज़राइल महकमों को तशरीफ ले आता कि वक्त ख़त्म हो गया, ओ भाई मैंने वक्त लगाया कहाँ जो ख़त्म हो गया, कौन सी मैंने फतह हासिल कर दी कि आप मेरे सर पर बैठ जाते हो आगे के चले, वक्त ख़त्म। हाजिर आजाद याद है हर एक को ये वक्त ना फतह और नुसरत के लिए दिया गया है, ना माल और दौलत कमाने के लिए दिया गया, तो वह हैसियत ही है ना भाई 70 साल। अगर तो मुझे कहा जाता कि 1 बिलियन साल तुमने यहाँ रहना है 13.7 बिलियन की कायनात में, कहाँ वो साल, मैं तो फिर भी खुश हो रहता कि मेरे पास कुछ टाइम जो है, या तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने करना क्या यहाँ, और वो भी मेरे आका और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारे के रानी है।
कि अब दुनिया सीजनल मोमेंट, आप तो आराम के लिए आए हो, लोग अजड़ के अजड़ अमरीका भाग रहे होते, क्यों जा रहे हो? आराम के लिए जा रहे हो, सुकून के लिए जा, मालो असबाब के लिए जा रहे हो। मैंने किसी को खुश नहीं आते देखा, ये दो चार साल भागम भाग चले जाते हैं, कुछ एक आगे सिफली जज्बे को तस्कीन दे लेते हैं, फिर रोते हुए वापस आते हैं। एक मसला, दो मसले, जिंदगी का हर लम्हा किसी बहरान का शिकार होता है। क्यों? अल्लाह ने एक अजीब फैसला कौन सी बात कहता, दौलत दे दूंगा, मांगो दे दूंगा, माल बहुत मेरे पास बहुत है, चाहो दे दो दूंगा, बीवियाँ 110 करो, चार तो मैंने देनी है, कुछ गैर असली कुछ गैर नकली कर दो, दे दूंगा जो मर्जी करो, इज्जतें बड़े सब मैंने देनी है, फाइनल इज्जत लिल्लाह जमीया सब दे दूंगा, मगर एक चीज नहीं दूंगा, किसी कीमत पे नहीं दूंगा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, दिल का इत्मीनान मेरी याद के बगैर तुम्हें हासिल नहीं होगा। फिर अल्लाह ने अगर कोई गलत काम बात कर भाई चैलेंज करके देख लो, ढूंढ लो इत्मीनान कल उसकी याद के बगैर। ये आपके सूफिया वो है, ये हजरात वो है, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर में मसरूफ हो, मगर यार जुबान हिलाने में आपको क्या करते हो? वो तो बात की बात है, जिक्र में दिल भी शामिल हो जाए, मगर एक डिग्री तो जुबान से भी याद करने की है कि नहीं है? तो फिर आपको जुबान हिलाने में क्या आ रहा है? अल्लाह कहने में कौन सी अनानियत मजरू हो जाती है? अच्छा ये एक कमिश्नर साहब कहेंगे, वो ठीक है जी, मैं तो इंटेलेक्चुअल बड़े होते पर मुझे खुदा भी याद करने, ये तो छोटे मोटे अनपढ़ लोगों को करने दो, ये जो आर्म चेयर पर बैठे हुए मौसूफी बने हुए झूठे मुतकल्लम बने हुए अपने आप को मुअज्जज़ मखलूकात ज़मीन में से समझने वाले, आपका ख्याल है खुदा को इनका पता नहीं है? या वो समझते हैं कि हमारे स्टेटस का तो अल्लाह को पता नहीं है? एक छोटी सी आयत अंदर लेकिन अला यालमु मन खलक, मुझे ये भी नहीं पता होगा कि मैंने बनाया क्या, क्या क्या बनाया, किस किस को बनाया, मुझे ये भी नहीं पता होगा। यानी खुदावंद करीम एक बिल्कुल तीन चार लफ्जों के जुमले में तमाम हकीकत इन लोगों की आया कर देता है जो तकब्बुरात ज़ात में उलझे हुए। अकल का काम आपको तकब्बुरात देना है, अकल का काम यह कि रोज़ाना आपको शोशा पे लगा दे, अकल का काम ये है कि दूसरों को हकीर साबित करे और आपको मुअज्जज़ करता रहे। यानी अकल हर नाकस काम के लिए इस्तेमाल, फिर लोग कहते हैं अकल से खुदा नहीं है। यार टी वी पर कभी कभी क्रिकेट मैच भी तो आते ना बड़े शौक, और दूसरी तरह के वाहियात सा गाना भी चल रहा होगा, मगर इसका इल्ज़ाम टी वी को दोगे कि प्रोग्रामर को दोगे? ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए फ़ायदा मंद भी हैं नुकसान भी है, मगर अकल का बहुत फ़ायदा ये है वो आपको रहे रास्त दिखा दे। हमें रहे रास्त की ज़रूरत है? यस आई थिंक वी डू। हो जाए देखो कितने इल्म की बात है, अब अगर आपके पास इल्म ना होगा तो आप अल्लाह की ये चार आयात नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं। हलाता अलल इंसान ही नुमन दहर लम यकुन शय मज़कूरा, ऐ हजरत इंसान गौर करो कि तुम कर नहा कर अरबहा अरब साल ज़मीन पे ऐसे भी रहे हो कि कोई काबिल ज़िक्र शय ना थे। हमने बड़ी कोशिश की सुराग लगाया कि हम क्या शय थे, ये अल्लाह क्या कह रहा है, सच्चा भी है कि नहीं, पता लगा कि हम डबल सेलुलर भी नहीं थे, हम तो सिंगल सेल में। फिर हम ढूंढते फिरते कि सिंगल सेल क्या है,
मगर खुदा ने सारी शहादतें सलामत है। डायरिया नहीं होता आपको, रोज होता है। ये अमीबा प्रोटीज से होता है, सिंगल सेल। हमारे पेट में उसने सबूत रखा है कि मैंने तुम्हें इस सिंगल सेल से पैदा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने तुम्हें आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के नुतफा मखलूत कर दिया। अब अकेले बनने का लफड़ नहीं पड़ा, अब इसका हमने नुतफा मखलूत कर दिया। इसके साथ एक मेल और फीमेल दो नुतफे करते थे, पहले एक था। जैसे अमीबा अपने सेंट्रल पॉइंट से फटता है और बिलियंस में चेंज हो जाता है, तो जब वो स्टेज ख़त्म हुई तो उसने आपका नुतफा मखलूत कर दिया। वो स्टेज इसके बाद लेनबतली है, हमने चाहा कि इसे आगे बढ़ाएं, आजमाएं, ये हमने जो ये फजूल सा नुतफा पैदा किया। तो क्या हुआ कि वजअलनाहु समीअन बसीरा, इसको समाज के सिस्टम दिए, इससे आगे बढ़ाया, फिर इसको बसारत के सिस्टम दिए, सिस्टम पूरे हो गए। कोई ज़्यादा जोर की बात नहीं है, सिस्टम पूरे। यूँ समझो कि हमारी ये शक्लें जो आप नज़र आ रही हैं ना, ये 88 करोड़ साल पहले की शक्ल, इसको हम प्राइमेट्स कहते हैं, शक्ल इंसानी नज़र आ रही है जो आपसे मिलती है। अगर आप भी हम वो पुराना इंसान जो मैं और आप थे, अगर हमारे ख्वाबों में आ जाए ना, तो हम चीखे मारते उठेंगे, क्या जिनभूत आ गई, इतने गए गुजरी शक्लों के मारे। चलो वो भी हो गए, अब मकसद क्या है? हम तो पूछते हैं परवरदिगार आलम, मकसद क्या है? मरारा काश के मादर नजादे, अगर मैंने ये बलाएं झेलनी थी, ये मसाइब उठाने थे, माँ बाप के नुकसान उठाने थे, छोटी सी जिंदगी जो हमने यहाँ बांटनी थी और बिताई बिताई देनी थी, ये मकसद था। कहते हैं नौ, अच्छा अल्लाह बात कर रहे, सारी दुनिया के इंटेलेक्चुअल जो है शुभ में पड़े, मगर अल्लाह बहुत वाजे है कि तुमको उसने क्यों पैदा। इन नहादा उस सबीला इम्मा शाकिर बहन, मैंने सारे अकल इल्म इसलिए दिया कि एक फैसला करके निकलो इस दुनिया से, मुझे मानते हो या नहीं मानते, जबर नहीं, जबर नहीं है। आखिरी दम तक तमाम टाइम है, ये क्लासरूम का टाइम है, किसी को 60, किसी को जो बहुत जहीन समझते हैं उनको 45-40 साल भी दे देते हैं, हमारे जैसे सुस्तल वजूदों को 70-80 साल दे देते हैं। ये सारा टाइम एक सवाल को हल करने के लिए, खुदा है कि नहीं है, मानते हो कि नहीं मानते हो, क्या इतनी सारा वक्त गुजार, ये आप खाने पीने के लिए नहीं आए। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट अपने जिंदगी के वाहिद मकसद, यही औलिया अल्लाह ताला अलैहिम का मकसद था, यही हमारे शयूख जुनैदिया का मकसद था, यही सैयद आली मकाम आलिद उस्मान हजवेरी का मकसद था, और वो आपको बार बार मायल करते हैं सोचने पर, सोचने दे इग्नाइट यू, ये उस शमा को जलाते हैं आप में, जिसकी रोशनी पहले बहुत मकामी से होती है, फिर फैलती फैलती ये कायनात को अपनी लपेट में ले लेती है। इन नमा यक्षल्ला में निभा देंगे उलमा, फिर आप खुदा के लिबादों को छू लेते हो, तरक्की इल्म से अपनी होश से, मगर इल्म का एक बुनियादी असूल है, काजिन हज़रात खूब गौर से सुन लो, एक बुनियादी असूल है कि किसी ने पूछा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, हाउ टू नो गॉड, हाउ टू नो गॉड, फरमाया नो दाई सेल्फ एंड यू शैल नो दाई गॉड, इसमें कोई इबादत तो नहीं ना है, ये तो नहीं कहा नमाज पढ़ो तो मैं खुदा हूँ, नियत खा के रोजे रखो, इसमें सिर्फ ये एडवाइस किया गया है नो दाई सेल्फ एंड यू शैल नो दाई गॉड, अपने आप को जानो, अपने हुस्न कबा पर नजर रखो,
अपनी अच्छाई बुराई को जांचो परखो और गलतियों के एतराफ करो और अच्छाइयों पे फख्र करो। ये पहला अकल है असूल खुदा बयान। फिर जनाब अली करम अल्लाह वजह को कौल है वमन आरफा नफ्स हो फकत आरफा रब्बा। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। लगता नहीं दोनों बयान एक जैसे? दोनों बयान एक। फिर सबसे बढ़कर आकाए दो जहाँ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद किया कि खुदा जिसे अपना इल्म देना चाहता है उसकी आंख उसके ऊपर खोल देता है। तीनों बात एक ही है ना। फैसला कुल बात के बजाय इसके कि दूसरों की गिबत करो, बजाय इसके दूसरों के फितने गिनो, बजाय इसके कि दूसरों को चोर चक्का कहो, अपने दामन पर पहले नजर करो। शीशे के घरों में बैठ के बाल पत्थर नहीं फेंके जा सकते। अपने आप को गौर करो। फिर माया बिला सबूत बात ना करो। हक बात के लिए अपने शवाहिद जमा करो और जानो और देखो। अपनी सच्चाई के लिए अपने लफ्ज़ों को गवाह ना करो। मखलूक को तुम्हारी सच्चाई का यकीन आना, तुम्हारे डील से बातों से नहीं, तुम्हारे किरदार से लोगों को पता लगना चाहिए। मगर तमाम अमाल जो हैं इन पर कोई शक नहीं है। ये याद रखिएगा, द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर आप शरा का मतलब ढूंढो ना, शरा का खाली मतलब, तो आपको सारे राज खुल। शरा का मतलब ये है ट्रेवल लाइट वेन यू मस्ट। शरा का डिक्शनरी मतलब ये है, जॉर्डन में एक दरिया है उसको भी शरिया कहते हैं, मगर शरिया का डिक्शनरी मतलब ये है कम से कम ज्यादा था जिसे लेके आप मंजिल तक पहुंच सकें, कम से कम ज्यादा रहा जिसे लेके तुम मंजिल पे पहुंच सको। और शुभ में न रहना, अल्लाह के रसूल ने हमसे कम से कम ज्यादा रहा की खबर दे दी है। वो कम से कम ज्यादा क्या है कि जिसने दिल में इखलास से एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उस पर हमेशा के लिए दोज़ख की आग हराम है। कह दिया उसने कि जिसकी आंख से मक्खी बराबर आंसू निकला और ढलक के उसके रुखसार तक आ गया और अल्लाह की याद में उस पर हमेशा के लिए दोज़ख की आग हराम है। ये है कम से कम ज़ादेला, एक मुन्ना सा नाकाबले नजर आना जो कतरा है अब्र या पानी आपकी आंखों से अल्लाह के लिए भी निकल पड़े। अपने लिए तो रोज रोते फिरते हो, चीखे मारते फिरते हो, धाड़े मारते फिरते हो, और खुदा कहता है मेरे लिए एक एक आंसू का छोटा सा कतरा जो ढलक के तुम्हारे नुकसानों पर आ जाए खुश्क हो जाए, इतना पानी भी ना हो उसमें, उस पर भी अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख की आग हराम है। नुकसान आपका है या किसी अलग है? अब बताओ वो क्या करे? और कितनी रियायत मांगते हो आप उससे, कितना करम मांगते हो? ये है शरिया। और तरीकत क्या है? तरीकत आपको बताइए, खैमा है, ये देखो ये खैमा, मगर ये खैमा तो बगैर सहारे खड़ा है ना, कपड़े का खैमा तो नहीं खड़ा होता है, तो बीच में जो सतून खड़ा करते हैं ना पूरे खैमे को, उसको तरीका कहते हैं। अब आपको शरीयत और तरीकत की समझ आ गई होगी कि तरीकत ये है कि सारा घर उस नियत पर तामीर शुदा है सारा, और तरीकत शरीयत की नियत। अगर कोई काम अल्लाह के लिए किया गया है तो वो मुकम्मल सवाब पाएगा जो किताबों में आपको सरकार दुआलू बताए, और अगर नियत कहीं और की थी, इसीलिए हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि शरीयत एमाल देखती है और खुदा नियतें देखती, खुदा नियतें देखता है और शरीयत एमाल देखती है। और अगर शरीकत तरीकत शरीयत की नहीं होगी तो सारे एमाल देखता है, और तरीकत की एक टॉप लिस्ट है, सारे के सारे सूफिया इलाहियात एक टॉप लिस्ट पे जाते हैं कि हमारी जिंदगी का वाहिद जायज मकसद खुदा को तरजीह अमल बनाना। अगर आपने इस पूरी जिंदगी जो मर्जी करो यार, नफीस से नफीस कपड़ा पहनो, खूबसूरत शादियां करो, खूब खर्चो, इससे खुदा को कोई गरज नहीं, कोई गरज नहीं। मगर अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी इस तय्यनात से निकल गई कि हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद जो है, फर्स्ट एंड द लास्ट प्रायोरिटी गोज टू गॉड, बाकी बीच में जो आए उसकी कोई परवाह नहीं, गुनाह और सवाब हमारे बातन से गुजरेंगे। अल्लज़ीना यजतनिबुल कबाइर इस्म वल फवाहिश, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचे इल्लल्लाह मां छोटे तुम करोगे। कौन कह रहा है? कुरान में छोटे तो तुम करोगे, वक्फा वक्फा तो तुम पर चढ़ता ही आएगा, कोई ना कोई खता तुमसे सरजद होती रहेगी। आपको पता क्यों इतना पसंद कर लिया उसने यूनुस बिन मची को? पैगंबर से हमारा ईमान है कि वो खता और नसियान से बचाए जाते हैं, हमारा ईमान है कि पैगंबर जो है वो इज्तिहाद से कोई अल्लाह ताला की मर्जी से दूर रहता है, वरना वो गुनाहगार तो हो ही नहीं सकते। उनकी असमत अल्लाह के ज़िम्मे होती है, पैगाम रसानी काम होते हैं, उनके अकवाल और फेल की भी ज़मानत लेता है। मगर अब गौर करो कि उन्होंने क्या कहा, जब वो घेरे गए उस ज़ुलमात में, फ़ज़न्ना अल्लाह नख़्तिरा फ़नारा फ़िल ज़ुलमात, उसने गुमान किया कि हम उसको इस हल्के सी बदगुमानी की सजा नहीं देंगे। उसने गुमान किया तू मेरा पैगंबर है भाई, तेरा तो दर्जा बहुत बड़ा, एक उम्मत तुमने सवाल नहीं है, तुम बदगुमानी रखोगे अपने रब को तो फिर तो ठीक नहीं होगा। तो आपको समझ आ गई बात, जब समझ आ गई तो उन्होंने अल्लाह से फिर जवाब नहीं पाता है इसका। फनादा फिर ज़ुलमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुंतु, उन्होंने कहा लामिया जी ये तो फीस ही गलत है, पाक तो सिर्फ आप हैं। हज़रत यूनुस ने क्या कहा? ऐ परवरदिगार आलम हर खता से तो तू पाक है ना, हम में से तो कोई दावा नहीं कर सकता कि हमसे गलतियाँ नहीं हो, तो मेरे मुझसे हो गई है, आई एम सॉरी यार माफ कर दो, सादा सी बात है। वैसे तो आप जब अरबी में पढ़ते हैं तो बड़ी आयत नजर आती है ना, तो तर्जमा करो तो बड़ी सादा सी, ओ लॉर्ड गॉड यू आर परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, कहता पैगंबर कहता है यू आर परफेक्ट, ओ लॉर्ड गॉड आई एम नॉट परफेक्ट, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी, ये कहा ना आयत करीमा में, यही कहा है ना कि अल्लाह तू पाक है मैं तो नहीं हूँ, खता मुझसे होती है, हो सकती है, हो गई है, मैं आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी, इन कुन तुम रजा, मैं तो अंधेरों की आगोश में चला। फिर खुदा क्या कहते, सादा सा इतराफ था, बड़ा खूबसूरत एक एक लफ्ज मुरस्सा, ये वो लफ्ज हैं जिनको आप घरों में एक लाख पढ़ने की दो जान का मल्ला बुलाया होता है और चल चालीस बच्चियाँ जो भैया। कमाल की बात ये देखो, हजरत यूनुस को मछली के पेट की बदबू सारी दी है, अगरबत्तियाँ पर जला के पढ़ रहे, वो आलम देखो, ये आलम देखो कि वो किस आलम में पढ़ रहे थे कि खुदा उसे ज़ुलमात कहता है, ऐसे अंधेरे जिनको खुदा ज़ुलमात कहता है। यूनुस उसमें क्या थे,
और हम लोग कैसे आयत करीमा पढ़ते हैं तो खुदा वास्ते भाई ज़रूरी नहीं कि आप 150 बंदे के 1,00,000 ना पढ़ा करो, तवातर से पढ़ा करो, 100 मरतबा पढ़ लेते डेली, क्या जाता है 50 मरतबा पढ़े, 33 मरतबा पढ़े, मगर मुकादमत रखो, कयाम रखो। खुदा भूलने वाली नहीं शह है, कादर मुतलक को तुम इधर उधर नहीं कर सकते। जो मोहब्बतें तुम्हारे दिलों में डालता है, जो नफरतों को मिटाता है, तुम्हारे दिलों को सुकून और आफियत बख्शता है, जिसकी एक एक बंदे की रोटी तुम नहीं कमाते वो कमा लो तुम्हारे लिए, वो रिस्क कमा लो। खुदा कह रहा मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, उस ज़मीन पर ऐसा कोई भी हयात नहीं है जिसका रिस्क मुझ पे नहीं है, मुझ पे नहीं है। बात सुनो कितने हैं मखलूकात ज़मीन में, पता 1.3 मिलियन, 13 लाख अजनास हयात हैं ज़मीन पर। एक तुम कहते हो मैं रोटी कमाने जा रहा है, आप ही कहते हो ना मैं कमा रहा हूँ, मेरे बच्चे कमा रहे हैं, मेरा दादा कमा गया। मैं ये बिल्कुल फैलेसी है, मंतकी तौर पर यह बात चाहिए नहीं है। अगर 13 लाख मखलूक में से सिर्फ एक मखलूक ये कहते कि मैं इसका अपना कमा रहा, बाकी क्यों नहीं कहते? वो कहाँ से मिलती है? चुआ मुर्गे के दर सहराए हर शाम कुशायल पर भाई। मसला ये है कि यू बी शुड बी वेरी क्लियर, मसला ये है कि आपको अकल ने बड़ी वजाहत से बता दिया कि ये चीज़ गलत है कि हम कमा रहे। अगर हम कमाते होते और ये 13 लाख बाकी मखलूक कहाँ से कमा ली है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यूहन्ना के साथ जा रहे थे तो यूहन्ना ने पोटली खोली तो हजरत ईसा ने पूछा यूहन्ना ये तेरी पोटली में क्या है? उसने कहा या नबी अल्लाह 2 रोटी। तो पूछा 2 क्यों हैं? कहने लगा या नबी अल्लाह 1 आज के लिए 1 कल के लिए। फरमाया यूहन्ना तुमने तवक्कल में हमें परिंदों से भी नीचे में फेंक दिया, कभी को परिंदे भी इसी तरह 2-2 वक्त 4-4 वक्त अपनी रोटियाँ जमा करते, वो तो सुबह निकलते रिस्क की तलाश और शाम को पेट भर के वो वापस आते हैं या भूखे आते हैं या अल्लाह ही जानता है। ऐसे तो नहीं होते कि उन्होंने कोई ज़खीरा जात, अगर जब तक खुदा किसी परिंदे को आदत ना बख्शे ज़खीरा जाए तो बाकी तो ऐसे कोई नहीं करते। जानवर सुबह किसी चरागाह की तलाश में निकलते हैं तो उठाते हैं बचा के तो नहीं रखते। बहुत कम एक बार जानवर होगा जो 2 दिन का, जैसे ऊँट अपना पानी अपने कुहान में जमा कर लेता है या चलने में रख लेते हैं, तो इस किस्म की बड़ी इमारतें नहीं करनी चाहिए। अपने बिल्कुल क्लियर रहने से अल्लाह ने आपके असबाब रखे, खुदा कहेगा तो वो असबाब आपके लिए मुताबर आप नहीं कर सकते। अमारत कसरत किल्लत तमाम अल्लाह की क्यों आती है? कहता मुस्तकर व मताउन इलाही, थोड़ा सा वक्फा तो मिल रहा है, थोड़ा सा वक्फा, फिर जिंदगी एक सफर का वक्फा और आगे चलेंगे। तब मुझे अल्लाह बहुत पसंद जान से मत, तो मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे 70,000 में तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बोला बूढ़ा हो गया, हड्डियों में पानी भर गया, किसी शहर में लताफत नहीं रही, न खाने में न पीने में न बीवी न बच्चों में, वो क्या हुआ यार? उम्र का शिकार हो के हम गुजरते हैं दुनिया से, ये दुनिया नहीं, इस काम की ज़्यादा दिल लगा दिया, कुछ भी ऐसा इसमें मौजूद नहीं। हाँ अल्लाह रिज़्क दे ज़्यादा दे तो शुक्र करो और बांटो, कम दे और सब्र करो और तवक्कुल रखो अपने रब करीम से। ये फजूल मंतकी ना फैलाओ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने कहीं भी मौजूद नहीं है ज़मीन व आसमान में,
कहीं भी मैं मौजूद हूँ, मैंने किया ही कुछ नहीं तो मैं कैसे हूँ। कैन यू इमेजिन, मैं जो करता है इसने जिंदगी में क्या चीज बनाई है, क्या कंस्ट्रक्ट किया है कायनात बाला में इसने, कौन सी मखलूकें बना के, कौन सी तराकी में जदीद और कदीम मिला के चेयरमैन बना बनना है। इसलिए दिस इज व्हाट ऑल द टीचर्स टेल यू, दिस इज व्हाट ऑल द टीचर्स टेल यू, दिस इज द ओनली इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ ए नॉन लाइफ लाइफ। और हम भी आज सिर्फ आपको ये याद करा रहे हैं, मैं भी इसी स्कूल का एक छोटा सा उस्ताद, और मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह इज द ओनली टॉप प्रायोरिटी, खुदा के सिवाय कोई तरबीय नहीं। सारी दुनिया में मुसलमान पीछे की पलट लगी, याद रखें लोग स्कूलों को वापस जा रहे, अपने अपने स्कूल को वापस जा रहे, लोग जा रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों को, लोग जा रहे हैं अपने अपने फिरकों को। आज इस्लाम का ये हाल है कि खुदा की तरफ कोई मंजर नहीं ख्याल नहीं बनता। भाई मजे 10,000 स्कूल बनाओ, स्कूलों का मकसद तो एक होना चाहिए ना, स्कूलों के मकासद तो ये है कि चलो हम वापस पलटते हैं खुदा की तरफ, हम अपने रसूल को वापस चलते हैं। हम किधर चलते हैं, हम तो मौलवियों को वापस जा रहे होते हैं, हम स्कूलों को वापस जाते हैं। ये ईंटें जिनको हम बसा रहे हैं अल्टीमेटली ये मुस्लिम कौम के सर पर पड़ते हैं, नए नए तसव्वुर आते हैं। हत्ता कि कल परसों मैंने एक बयान देना, क्या अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिए तो शिर्क किया, लाहौर वगैरह बोला, लाहौर तो करो, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, हमारे लोग किस कदर मखबूत आवाज हैं, उनको ये नहीं पता कि मकाम अलूहियत क्या है, मकाम अबूदियत है, नहीं माना ना मानो अल्लाह को, वो तुम्हारा मोहताज है। अगर ये भी एक बड़ी अमानत करी कर छोड़ो, कहो मैं एथीस्ट हूँ, कहो कि मैं मुनकर हूँ, मैं नहीं मानता अल्लाह, उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं। एक इशारा या बोलू से कहता है मैंने 1,00,000 का शहर जो है, 1,00,000 की, ये पुराने जमाने की बात है, अभी अब आबादियाँ इतनी नहीं, एक झटके से 1 अरब इंसान को जेरे खाक मिला, आगे पीछे सबूत नहीं है हमारे पास। एक चंगार ने कौम हूद की बस्ती को तबाह किया, एक सर्द हवा ने कौम शुआइब को बर्बाद किया, एक फरिश्ते ने आके आग और समूद के शहर को पंपियाई को तबाह कर दिया, इनको या तुम किसके पन्ने पड़ गए हो, ये कौन है जो झूठे तसव्वुरात की तैश में तुम्हें डाल देते हैं, तुम्हारा मालिक है खुदा ये कहता है, तो फख्र से क्यों नहीं कहते मेरा एक मालिक है, उसे कहो तो दूसरों को कहो जाओ भागो, तुम वो बकरियाँ हो जिनको भेड़िए नोच खाएंगे, और हमारा तो मालिक है, और उनसे कोई ला मौला ला हो, तुम्हारा कोई मालिक है, हम मालिक, हम एक पनाह वाले हैं, हम एक एक अजीमुल मर्तबत हस्ती की दस्तरस में जिंदगी गुजार, हमें फख्र है अपने रब العالمین पर, हम उसकी सिफात चाहते हैं, हम चाहते हैं हम उतने सखी हो जाए जैसे हमारा रब है। वो खुद कहते हैं मैंने अपनी फितरत में तुम्हें पैदा किया, तो अल्लाह की सिफात क्यों नहीं हासिल करने की कोशिश करते, तुमसे तो इकबाल ही अच्छा बड़ा बात है कि मकाम बंदगी देकर नन निशान खुदा, मुझे तो कहता है बंदगी में इतना सुख और सुकून है, जिम्मेदारी कोई नहीं भाई, मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है अल्लाह को कहूँगा यार ठीक कर दो ना, है मैं भी मेरे घर से उठ के चली गई तो अल्लाह भाई ने बोलो मैं यार ले आओ ना इसको, वो मैं तो सारे काम अल्लाह को लौटा देता हूँ, वो फब पे जो अम्र ये अल्लाह है, मैंने तमाम काम अल्लाह को सौंप दिए, आपसे नहीं सौंपे जाते, बिठाओ कि अर्श पे रखा है तूने एवाइस, और खुदा ही क्या है जो बंदों से एतराज़ करे,
मैंने तो उसे मोहब्बत वाला हुआ है, मैंने उसे अपने आप को तहजीब सिखाता हुआ पाया, मुझे उसने हौसला बख्शने का हुनर बताया, मैं तो अल्लाह से प्यार करता हूँ, तो बी वेरी फ्रेंड। मैंने वो देखे हैं लोग जो बेगुनाह हैं, मैंने वो देखे, मैंने अपनी तहजीब का भी मजा आ जाएगा। मैं दरिंदा और वाशी और बेवकूफ से इतना लायक सा बच्चा ही था मेरे ऊपर, अगर उसने मुझे तहजीब दे दी तो सारी दुनिया को दे सकता, क्योंकि मुझे तो अपने आप से आप लोग बेहतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप उतने नहीं थे बदतमीज और नालायक जितना मैं था। तो मुझे तो फख्र है कि मेरे रब करीम ने मुझे सुधार दिया, हम मुझे सबक सिखलाया, मुझे हया दी, इखलास दिया, मुझे मरफत दी, मोहब्बत दे दी। तो यार क्यों नहीं प्रदूषण करते, क्यों अजनबी बनाया हुआ है, जब देखो ड्राइंग रूम के बाहर खड़ा हुआ है। खुदा क्या है जो बंदों से हितराज करे, वो तुम्हें तलाश कर रहा है। या हसरतन अलल इबाद, तुमने तो नहीं कहा अल्लाह हमें तुझ पे हसरत है, अल्लाह कह रहा है ए बंदगाने खुदा मुझे तुम पे हसरत है, मैं इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ और तुम इतने लूटे लूटे पतली कहाँ गए, महबूब आ गए हैं। खुदा का वास्ता है गौर फिक्र की अलामत पैदा करो, ठीक खबर बताए एक नुकता भी तुम्हें वली बना देगा। एक ये मत समझना कि वली और होते हैं और बंदे और होते हैं, कभी ना समझ। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दो वली होते हैं, सिर्फ दो, अल्लाह वली उल्लज़ीन आमनू युख्रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। वो जो ईमान आया जो अल्लाह के दोस्त और वली हैं उनकी मूवमेंट अंधेरों से रोशनी की तरफ है। वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुम अत्तागूत युख्रिजूनहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर इलन ज़ुलुमात, जो अंधेरे नूर से अंधेरों को जाते। दो मूवमेंट है, अल्लाह के दोस्त जो अंधेरों से नूर में दाखिल किए जाते, शैतान के वली जो रोशनियों से अंधेरों को जाते। अल्लाह को नौकरी मत एज ए चीज आई जस्ट वांट कि आप उसको याद दिला दें कि हम भी तेरे बंदे हैं, हम भी कॉर्नर में खड़े हैं। अल्लाह के बड़े बड़े वलियों पर अगर अली उस्मान और शेख अब्दुल कादर जुनैद बगदाद पे तेरी पड़ी है एक डाल में उसे बहुत कम डाल रहे, हमारा कोई दावा नहीं है इनकी बराबरी का, हमारा कोई दावा नहीं है कि हम इनको इनसे मुकाबला करें, हमें पता ही नहीं उनके मकाम क्या है, वी डोंट नो। मगर इन्हीं बुजुर्गों की दुआओं की तो खैर सारी जिंदगी मायनते बड़े सगीर में खुदा की मालिफत सिखाते हुए गुजर गए। अल्लाह ने इनको तौफीक मुसाफिरत दी, अजाब सफर दिया, मगर इन लोगों ने कबूल किया खिदमत परवरदिगार के लिए, घरों को छोड़ के निकले, जुल्लाबी और मदनी और अजमेर को छोड़ के निकले, बेबरों बाहर जमीनों पर इन्होंने खिलाए, सहराओं में इन्होंने चांद उतार दिए। आपको भी ठीक है, ठीक है, हासिल हासिल तो इनके भी बड़े हैं, इन पर भी एक दो झूठे बड़े इतराज करने वाले हैं, कुछ बदतमीज ऐसे हैं जो अपने वालदैन को भी सुनाए जाते हैं। तो ये जो वालदैन जी भी बड़े वालदैन हैं, हमें तो वो चीज़ें जो हमें जिंदगी देती है, इन्होंने तो हमारी जिंदगी बिलियंस ऑफ ईयर्स कर दी है और खुशगवार कर दी है। ये इनकी तालीम हमारी जन्नत की अमानत है, इनकी तालीम हमारे विशाल परवरदिगार की अलामतें हैं। ये ना होते तो बड़े सगीर में सिर्फ 12,000 आपको पता है, टोटल 12,000 ही आए थे,
जगह कलवाहा में ही मारा जाता है। पानीपत की पहली जंग में बाबर ने इन्हीं से लड़ी। बोला इस वक्त तो 60 करोड़ हो, अल्लाह 60 करोड़ बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान मिला लो तो 60 करोड़ हो। वॉल्यूम नहीं बताए, इतनी मोहब्बत करने वाले थे लोग, इनकी मोहब्बतों से मोहब्बत करते, मर में टिका रहे, इतने अखलाक वाले थे कि लोग अपनी बदतमीजियों के अंबार छोड़ जाते थे इनके पास, फिर भी इन लोगों की जमीनों पे शिकन नहीं आते थे। जितना बड़ा पढ़ा लिखा होना उतनी उसकी वसत अखलाक हो। हजरत अली बिन जैद बिन अली बिन हुसैन से किसी ने पूछा, तसव्वुर किया, फरमाया अगर तेरा इख्लाक अच्छा है तो तू सूफी है, और अगर तूने देखना हो ना कि तुझसे बड़ा सूफी क्या है तो देख क्या उसका इख्लाक तुझसे बेहतर तो नहीं। ये इख्लाक की जान। और देखो खुदा क्या कहता है कि मुझे दो आदतें बड़ी पसंद, बहुत पसंद, ठीक है वो दो आदतें इख्तियार कर लो, कहते खाना खिलाना एक अच्छा बोलना। वैसे तो लाहौर में मेहमान नवाजी ठीक ठाक है, मगर अगर खुदा के ख्याल से एक दो मेहमान कर लो, अगर गरीब से लाभ के मालों का भला कर लो, चलो 10 रुपये उसमें आप बड़े चक्करों में पड़ जाए। ये बिजनेस का काम नहीं है, एक मेहमान को संभाले तो कौम कौम को संभालते, इतना बड़ा काम नहीं है। आपको पता है बदर में क्या हुआ था, एक सहाबी ने अला तश पुकारा, पानी आया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यही पानी, तो आपने कहा उधर जाएगा, उसने आगे कर दिया, उसे 4 सहाबी शहीद हो गए एक दूसरे के इशार में। कितना आसान था मरना उनके लिए, और हमें तो मौत नजर आ रही तो किसू पड़ जाता, भाग भाग के हम तमाम ये जितने आया बड़े खुद दर्द और ये जो अपना डॉक्टर ये हम पे ही पलते हैं, हम पे पलते हैं क्योंकि हमें जान की फिक्र ज़्यादा हो जाती है, वो से फायदा उठा लेते हैं, ऊपर से जादू करके हिसाब किताब वाले भी आ जाते हैं, कुछ हिस्सा उनको चला जाता है। ये क्या सारी जिंदगी आसेब में गुजरेगी, थोड़ा सा वक्त अल्लाह के साथ। मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, मे अल्लाह गिव यू, आपको नेमत बख्शे सोचने और समझने की। अल्लाह आप पर मेहरबान हो, अल्लाह आप पर इतना मेहरबान हो कि जिसमें कम है या ज़्यादा खुदा अपने साथ रखे आपको, आप उसके साथ रहो, उस करीमाना जहद से जिसमें हमारी कोई कोताही भी बगैर माफ़ी के नहीं जाए, वो जो इतना माफ़ करने वाला है कि उसके हिसाब में बेहिसाबी है, तो हम उसी से दुआ कर सकते हैं क्या मालिक व करीम हम मुस्तकिल खताकार, मेरे बस में हो तो मैं मुस्तकिल रहमत को आजमाऊँ और खताऊँ। हमें कहा जाता है तुम इस आयत से नाजायज फायदा होता है, आजकल तो हम पता है ठेंगे डाल भी पड़े हैं ना, अजाब के ठेंगे भी हैं ना, जहाँ सवाब के ठेंगे वहाँ अजाब के भी ठेंगे। अगर किसी को क्या बोला कि कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसहुम, अब देखो बयान तो सादा है, ऐ मेरे बंदो तुमने बड़े गुनाह, डांट वाला नहीं है, लहजा डांट वाला नहीं है, हकीकत पसंद आना। कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसहुम, ऐ मेरे पैगंबर गवाह भी डाल दिया, गवाह भी डाल दिया कि कल को ये नहीं कहा खुदा ने भी कहे नहीं, कहा ए मेरे पैगंबर कह गए मेरे बंदों को कि तुमने बड़ी ज्यादती की, मेरे साथ ही को कह सकता अपने साथ में अपने गलत रास्ते चुने, गलत अंदाज चुने, गलत आपको बीमारी आपकी वजह से मेरी वजह से कुल याद बाजी अल्लाह दिन आसरफ वाला आपको से लाल तक न तो मिला है, और यार मेरी रहमत से ना मानो, बड़े बड़े खतान कर बड़ा जुर्म किया अपनी ज़ात पर,
हर जहालत पे हाथ रखा, जानबूझकर बेवकूफ और अहमक बनते रहे हो जिंदगी, सबसे बड़ी गलती है ना ला तक ना तुम मेरी रहमत से मायूस हुआ। और पूछो मेरी इतनी ज्यादा रहमत है पर मैं तो अपने गुनाहों को बड़ा समझ, इतनी रहमत है आप पर? कहता हाँ, और तुम्हारी रहमत में गुनाह है क्या? बोलो चार दिन, चार दिन के गुनाह है ना, और तुम मैं तो अजल से अबद तक रहमत बांटता चला गया, और तुम्हारी क्या गुनाहों की है? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअ, मैं अल्लाह तुम्हारा वो है कि तमाम गुनाह माफ कर, कोई चीज छोड़ी नहीं हो, तमाम गुनाह तुम्हारे माफ कर। उसकी वजह ये है कि मेरे दो नाम ऐसे हैं जिनमें कोई हद व हिसाब नहीं, नहू होकर गफूर हो गए बेचक में बख्श कर। अल्लाह हमें अपनी बख्शिशों में हिस्सा अदा कर, कौमी सतह पर, इंफरादी सतह पर, ख्वातीन को, मर्दों को, हमारे बच्चों को। रबना हब लना मिन अज़्वाजना व ज़ुर्रियतना क़ुर्रतु अय्युन वज़अल्ना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना अस'अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका फ़ज़ल लिल्लाज़िमिना इल्ला। मगर सबसे बड़ी दुआ है अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्निका। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्निका। अल्लाहुम्मा इन्ना अस'अलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना अस'अलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना अस'अलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इज़अल औसा रिज़्क़का अलैया इन्ना किब्रसिनी व इंतिकाल। اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاعي. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لنا افضلنا واخرنا آية منك وارزقنا وانت خير الرازق. اللہ تعالیٰ ان جملہ بیماروں کو جو بڑی مشکلوں میں ہیں, जिनकी जिंदगियों के तवातर वामन से महरूम है, दुआ कीजिए सब मिलकर खुदा उनको शफाएं बख्शे। एक पर्टिकुलरली एक दुआ है जो बदतरीन अमराज में हजरत अली करीम अल्लाह ने सजेस्ट किया कि या हलीम हो या करीम, जो जिसका अजीज कितना बीमार है उसका नाम ले रहे हैं, या हलीम हो या करीम, मुश्किल फलाए थे जितने भी आपका आयजा व अकाल बीमार है वो अपने लिए ये या हलीम हो या करीम मुझ पर, क्योंकि हलीम व करीम के अस्मा शफा पे रूल करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, या हलीम व या करीम मुझ पर फलाए। वो तमाम बीमार जिनके नाम मैं इस वक्त मुझे मेरे पास नहीं है, खुदा उनको शफा अदा करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बच्चे के लिए, पाकिस्तान में बड़ी दौलत निकल रही है, निकल आई है, दो चार महीने तक इंशाल्लाह आपको उसके फलूस पहुँचे, बेतहाशा क्या है, मतलब 3 ट्रिलियन मक्का फ्रूट के करीब क्या है। अब उनको उतना सबर कर जाओ जब तक वो पाइप में आती है, फिर इंशाल्लाह ये 3 मसले हल हो गए। LNG पे ख़त्म, अब अमेरिका से तक मेरे जितने वो भी सियासी लोग भी मेरे जितने भी चैन होंगे गैस डालने की पाइप लगा, अगर मुझे दे देते तो मैं तो हफ्ते में भी कोशिश करता डाल, पर उसको टाइम लगता है। 60 मील का है और ये 3 ट्रिलियन इसका छोटा सा अंदाजा जो चीफ इंजीनियर ने मुझे बताया कि अगर 3 लाख घरों को दी जाए तो कम से कम 50 साल के 40 साल के लिए एक कुएं दूसरे से भी इतनी निकली, तीसरे से 1.5 मका फुट एवरी डे। तो अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान कर दिया, रेकोडेक भी शुरू है ना, हम रुके हैं ना हम इतने इंशाल्लाह ताला। हाँ, इस कौम को दर्दमंद लीडर
डायलॉग बाजी बहुत है। ओह क्या बात, अपनी अनाओं तक का बलात् को हवा दिए जा रहे हैं, उनको कोई ख्याल नहीं आता। अच्छा आपको एक फनी सी बात बताएं, हमारे लीडर सारी दुनिया में सच बोलते हैं, अपनी कौम के साथ झूठ बोलते हैं, ये बड़ी मजाक की बात है। बाहर जाके बिल्कुल सच बोलते हैं, मगर जब अपनी कौम के पास आते हैं तो हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा विदाउट फेल। तो अल्लाह उनको भी हिदायत मिले और अल्लाह हमें भी हिदायत दे कि ऐसे लीडर नहीं चुने तो अच्छा है, वरना उनके गुनाह की सजा हमें मिले। वो पंजाबी का है ना बड़ा मशहूर महावरा, होर चूप हो यही हो, ये लीडर यानी हो। तो हुआ कि सिख थे ना सिख, उन्होंने फैसला किया कि हमारी आजकल फसलें बड़ी कम हो रही हैं, तो फैसला हुआ कि हम गन्ना लगाएंगे। वैसे यकीन करो मुझे अपनी कौम का यही रवैया लग रहा है, उनका गन्ना लगाए। मगर फिर दो बड़े सिख बोले, उनका गन्ना तो लगाओगे नाल अलग पिंड अलग मुसलमान सारा गन्ना तोड़ के खा जाएंगे तो सब नुकसान। और फिर होर सियाने दो आ गए, उन्होंने कहा पहला मुसलमाना का इलाज कर रहे, उन्होंने डांग सोचे अभी फसल नहीं लगी, वो डांग सोचे ताकि वो पिंड से जाकर मारो जी कतल। वो आखन यार किस गल आते हो, ऐसी तो अलग गल है, कहता होर चूको होर चूको जी सके गन्ने चूपे सर होर चूको। तो खुदा करे कि हमें ऐसे नलायक लीडरों से निजात, ये तो हर फसल से तो और गन्ने चूको आ गए है, और कोई समझदार कोई नेक तो हमदर्द उम्मत और मिल्लत को शर्त आप मिल के दुआ करोगे, मगर हीरो ना पाला कभी, हीरो आसमान पर एक अल्लाह और उसका रसूल है, हमारे लिए कोई तीसरा हीरो नहीं। हीरो पालोगे तो दुनिया पाओगे, बस मैं इतना जाऊँ। जब भी हमने हीरोज के पीछे गए ना, खुदा हमसे नाराज हुआ और कोई ना कोई फितना फसाद कर दे। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। मैं रुखानी साहब के मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर साहब जी जी तशरीफ लाएँ और आज की इस कॉन्फ्रेंस की यादगारी शरीफ फरमाएँ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर साहब।